I think the one thing that really affects your skin is smoking and drinking. मैं अपनी स्किन हमेशा साफ रखती हूँ. आई थिंक दैट्स द की. और मैं पानी बहुत पीती हूँ. आई थिंक द वन थिंग दैट रियली अफेक्ट्स योर स्किन इज स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग. मुझे बहुत शौक है मतलब कि बाहर जाने का, लेकिन मतलब आई ट्राई टू अवॉइड ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग एज मच एज आई कैन. आई डोंट स्मोक. एंड द वन थिंग जो मैं पर्टिकुलरली हमेशा मतलब उसके बिना तो मैं घर से बाहर कदम नहीं रखती हूँ, और वो है सनस्क्रीन. एंड मैंने आई थिंक पिछले 2 साल या 3 साल से सनस्क्रीन रेगुलरली यूज़ करना शुरू किया है, और मुझे लगता है उसकी वजह से मेरी स्किन में इतना डिफरेंस आया है, इतना डिफरेंस आया है. वो हमेशा मॉइस्ट रहती है, हमेशा अच्छी रहती है, टैन नहीं होती है. एंड आई थिंक बॉम्बे में बहुत प्रदूषण है, उसकी वजह से काफ़ी बची रहती है. एंड आई थिंक उसको अगर आप सनस्क्रीन के ऊपर मेकअप लगाते हैं तो वो प्राइमर का भी काम करता है. एक्चुअली आजकल की सनस्क्रीन बहुत अच्छी होती हैं, वो 12 घंटे का आपको पूरा इफेक्ट देती हैं. और आप एक बार सनस्क्रीन लगा लीजिए और उसके ऊपर कोई लाइक बीबी क्रीम या थोड़ा फाउंडेशन अगर लगा लें तो आपको पूरे दिन मतलब अपनी स्किन को छूने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. यू विल एब्सोल्युटली नॉट नीड एनी टच अप्स और एनीथिंग. सो आई थिंक सनस्क्रीन एक बार दिन में अगर आप सुबह लगाएं, आई थिंक दैट्स इनफ. सो आई थिंक दैट्स वन थिंग. एंड मैं रात को हमेशा मेकअप निकाल के सोती हूँ. एंड यू नो आई मेक श्योर कि मेरी एक पर्टिकुलर मॉइस्चराइजिंग क्रीम है मूजी की, जो मैं जापान से लेकर आई थी, और वो क्रीम बहुत अच्छी है. एंड आई थिंक दैट सूट्स माई स्किन अलॉट. एंड निविया इज समथिंग आई स्वेयर बाय. जब मैं वर्ल्ड ओवर ट्रैवल करती हूँ, मैं हमेशा एक निविया की एक बॉटल रख एक छोटी सी डब्बी रखती हूँ, बिकॉज निविया कोल्ड क्रीम सबसे अच्छी है. सो दैट्स वन थिंग आई कम्प्लीटली फॉलो एंड आई स्वेयर बाय इट. आई थिंक कसरत करना इंसान को सबसे ज़्यादा अहमियत देना पड़ता है, और अगर आप कसरत को अहमियत नहीं देंगे तो आप खुद ही डल फील करेंगे. मुझे लगता है कि अगर आप खुद डल फील करेंगे तो आपकी स्किन भी डल फील करेगी. और अगर आप चाहते हैं कि आपको आपकी स्किन को एक अच्छा नाइस तगड़ा लाल रंग का ग्लो मिले ना, तो आपको उसके लिए कसरत करनी पड़ेगी. तो चाहे आप जितने लेज़ी हो, चाहे आपको ऐसा लगे कभी कभी कि आप बहुत डल फील कर रहे हो, आपका मन नहीं कर रहा हो, अपने आप को पुश करिए, कसरत करिए. भगवान ने हमें हाथ पैर और तंदुरुस्ती इसलिए दी है कि हम उसे मेंटेन करें. हमारी बॉडी एक रीज़न से हमें दी गई है कि हम उसका सही इस्तेमाल करें. तो सही इस्तेमाल वही होता है कि आप सुबह उठ के कसरत करें, और आप कसरत करेंगे तो आपकी स्किन ही नहीं, आपकी पूरी बॉडी, आपके सारे अंजर पंजर सब जगह में रहेंगे.